वेलकम टू म्यूजिक पाठशाला। आपको एक काफ़ी पॉपुलर गाने का एक ट्यूटोरियल पार्ट बताने वाला हूँ मैं, और कुमार सानू जी ने गाया, और इसके बोल हैं, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार, ऐसे करके गाना काफी फेमस गाना था। तो शुरू करते हैं इस गाने की पहली लाइन, तू प्यार है। देखिए, इस गाने को हम लोअर ऑक्टेव में भी बजा सकते हैं और अपर ऑक्टेव में, मींस मिडिल प्लस अपर में बजा सकते हैं, लोअर प्लस मिडिल में बजा सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो अपर ऑक्टेव में बताता हूं कि मिडिल से शुरू करके हम अपर में जाएंगे। ऑक्टेव्स क्या होते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तीन ऑक्टेव होते हैं एक्चुअली। ये ऑक्टेव क्या होते हैं कि सरगम का एक सेट होता है, 12 कीज का एक ऑक्टेव होता है, 12 स्वर्स का, और वो तीन लगे होते हैं, मिडिल में एक होता है, फिर राइट साइड में एक होता है, लेफ्ट में एक होता है, ऐसे हमारे हारमोनिका में है, उनको हम ऑक्टेव बोलते हैं। बट आर ऑक्टेव्स इन म्यूजिक, ऐसे मैंने करके वीडियो बनाई है, और भी बहुत सारी वीडियो जो इंपॉर्टेंट है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। तू प्यार है, ये इसकी पूरी लाइन मैंने बजा दी। तो अब देखिए, थोड़ा सा आप आवाज को भी कॉपी करिए कि जो ट्यून है वो क्या कहती है, यानी कि जो नोट्स हैं वो कितने लंबे या छोटे बजेंगे। ऐसे नहीं केवल सिंपल लिखा हुआ उसको हम बजाएंगे तो गाना बजेगा, नहीं, नोट से गाना नहीं बजता, गाना बजता जो हमने ट्यून दिमाग में रखी है उससे गाना बजता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं गधनिसा, तो सा को अगर मैंने थोड़ा सा बड़ा बोला, ग को बिल्कुल छोटा बोला, तो बिल्कुल ऐसे ही बजाना, ग धा, धा को मैंने बड़ा बोला है, अगर मैं ग धा करूंगा तो वो ट्यून नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली फॉर बिगनर्स जो बजाना शुरू कर रहे हैं अभी या जो कम बजाते हैं। गधा निसा रे निसा सा सा, अब मैंने यहाँ पे सा सा बोला, तो भाई सा जो पहले वाला है वो थोड़ा सा बड़ा बजाना है, सा सा में छोटे छोटे दो सा बजा, देखिए रे निसा सा सा, और ये जो सा और रे मैंने इसमें इंक्लूड किया है अपर ऑक्टेव का है। अब जब कंप्लीट दोनों को बजाएंगे, गधा निसा रे निसा सा सा, देखिए तो बिल्कुल ट्यून वही मिलती जो हमें चाहिए। तो ये हो गया तू प्यार है किसी और का। देखिए, मेरा जो स्केल है गले का उतना हाई नहीं है कि मैं इससे मैच कर पाऊंगा, लेकिन जो नोट्स हैं वो बिल्कुल सही मिलेंगे आपको। तुझे चाहता देखिए, सनी धनी पा, तुझे चाह, ओके, सनी धनी पा नी रे सनी धा धा धा, नीरे सनी धा धा धा, कंप्लीट लाइन क्या, तुझे चाहता कोई और है। अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा, धीरे धीरे फिर बजाऊंगा मैं, सनी धा नी पा नीरे सनी धा धा धा, अब जितना मैंने बोला उतना बजाना, तो बिल्कुल सेम ऐसी आवाज आ जाएगी आपकी भी। चलिए, तू पसंद है किसी और की, अब देखिए इसमें और अपर ऑक्टेव के नोट्स लग गए, पा तक जाता है गाना, अपर ऑक्टेव के पा तक, ग ग म पा देखिए, ग ग म पा घर मा ग ग,
बिल्कुल ऐसे बजाना, इतनी देर तक बजाना नोट जितने तक मैंने बोले, गा 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 मा पा गरे मा गरे मा गा गा। तू पसंद है किसी और की, फिर से रिपीट होती है लाइन तो सेम ही है, गा 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 मा पा गरे मा गा गा। तुझे मांगता कोई और है, ऐसे है, तुझे मांगता गर रे गारे सनी, गरे रे गारे सनी। उतनी देर तक बजाने नोट जितनी देर मैंने बोले, गरे रे गा। अब बीच में मैंने जो रेगा बात बोला उसका जो गा है थोड़ा सा लंबा बजाना, रे सानी कोई और है, निसरे सानी धा निसरे सानी धा। तू प्यार है किसी और का, फिर से रिपीट हो जाती लाइन, तुझे चाहता है कोई और है। तो अगर इसको हम पूरी लाइन को दोनों को बजाएंगे तो देखिए कैसे लगेगी। तो ये ऐसे बज नोट्स गया। को बिल्कुल उसी तरह से बजाना है जितनी देर के लिए मैंने बोला है, तो एग्जैक्टली सेम ट्यून आ जाएगी। अगर आपको बेसिक्स वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और बिना बेसिक को बजाए हुए डायरेक्टली गाना बजाना बहुत मुश्किल होता है, ये स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए बोलता हूँ जो नए नए होते हैं और हम हारमोनिका सीखना चाहते हैं। तो मेरी जो बेसिक वीडियोज़ हैं, ऑक्टेव्स क्या होते हैं, सरगम कहाँ बजेगी, कितने होल में क्या होता है, कौन से हारमोनिका होते हैं, ये सब आप देख लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी लाभ मिलेगा, उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, और दूसरों को भी बताएं, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।